24 और मैं हूं नीरज कुमार। और अभी की एक दुखद घटना आई है, अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री नहीं रहे। जी हां, पिछले काफ़ी अरसे से वे बीमार चल रहे थे। काफ़ी पहले वे अमेरिका में भी इलाज कराए और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें देखने के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सभी वहां उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। आज वे अपना अंतिम सांस लिए हैं और आज उनका निधन हो गया है। 66 वर्षीय अरुण जेटली का बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है, बहुत बड़ा उनका दर्जा है और उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए काम किए हैं। कुलदीप जी, क्या कहेंगे इनके निधन से कितना बड़ा नुकसान भारत देश का हुआ है? जी, निश्चित तौर पर अरुण जेटली जी के जाने से भारतीय राजनीति को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँची है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से वो वित्त मंत्री जैसे अहम पद पर रहे हैं। देश की तिजोरी की चाबी उनके पास रही है और उन्होंने अपने वित्त मंत्री रहने के दौरान देश में बहुत बड़े बड़े आर्थिक सुधार किए, जैसे GST को लाना और CBT यानी कि जो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर पैसा, डिजिटल ट्रांसफर, जी डिजिटल ट्रांसफर लाने का काम किया, क्रांति के लाए थे। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को भी काफी प्रमोट किया था। तो इस तरीके से अगर उनके जाने से काफी ज्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मतलब ऐसा क्षति जिसकी भरपाई आने वाले कई दशकों तक नहीं हो पाएगा, ऐसा क्षति हुआ है ना केवल बीजेपी का बल्कि भारत सरकार का भी आप मान सकते हैं। अरुण जेटली का जन्म दिल्ली में हुआ था 28 दिसंबर 1992 में और उनके पिता भी एक वकील थे और बाद में अरुण जेटली भी एक मंझे हुए वकील के साथ साथ मंझे हुए राजनेता के तौर पर भी काम किया। वे सबसे पहले ABVP में उन्होंने ज्वाइन किया था और ABVP में अध्यक्ष के पद का उन्होंने चुनाव लड़ा था 1974 में स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बने और 75 में जब आपातकाल लगा था उस समय उन्हें 19 महीने तक नज़रबंद रखा गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, जो आपातकाल के दौरान बड़े बड़े लीडरान को नज़रबंद किया गया था, जेल में भेजा गया था, उनमें से एक अरुण जेटली भी थे। ये मतलब जब जयप्रकाश नारायण का एक JP आंदोलन चल रहा था उस समय की बात है और आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लीडर होंगे जिसके डर से इंदिरा गांधी ने उन्हें इतने दिनों तक नजरबंद रखा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जेटली जी के जाने जाना इतना अहम, मतलब इतनी बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए कि इस वक्त पीएम मोदी जो है दुबई के दौरे पे हैं, लेकिन जैसे ही पता चला उन्होंने तुरंत इस पर अपना जो है शोक प्रकट किया और वो कहते हैं कि जेटली जी के जाने से जो है भारत को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। वो एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज थे जो बौद्धिक और कानूनी रूप से जीवंत थे, वो एक मुखर नेता थे जिन्होंने भारत को स्थायी योगदान दिया, ऐसा पीएम मोदी का। और बहुत सारे और भी ट्विटर पे आप देखेंगे, ट्विटर पे और भी कई सारे ट्वीट किए हैं, सबने ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह ले लीजिए या योगी आदित्यनाथ ले लीजिए या देवेंद्र फडणवीस ले लीजिए, तमाम लीडर जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, JP नड्डा ले लीजिए, तमाम लीडर एम्स हॉस्पिटल में पहुंचने लगे हैं और अब एम्स से उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पे पहले ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर उन्हें बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात हमारे सामने जो इस वक्त हमने रिकॉर्ड्स रखा हुआ है वो ट्विटर का है। ट्विटर पे जिस तरीके से, मतलब एक तरह से जेटली जी को श्रद्धांजलि देने की उनको दौड़ आ गई है जिस पर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ, जेटली जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, उनके रूप में मैंने न सिर्फ एक संगठन का वरिष्ठ नेता खोया है बल्कि अपने परिवार का एक सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं कि अरुण जेटली जी ने कई क्षमताओं में देश की सेवा की और वे सरकार और पार्टी संगठन के लिए एक संपत्ति के समान थे, वह हमेशा दिन के मुद्दों पर गहरी सोच और समझ रखा करते थे। जी।
मतलब कई दोस्तों को जीता। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि एक बड़े वकील के तौर पर उन्हें सबसे पहले जो उनका पहचान हुआ वो एक बड़े मंझे हुए वकील के तौर पर उनका पहचान हुआ। 1987 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लेकर और विभिन्न हाई कोर्ट में प्रैक्टिस उन्होंने किए और 1990 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठतम वकील का दर्जा दिया। 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी उस समय उन्हें सरकार ने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था, अर्थात सरकारी वकील जिसको आप कहते हैं, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े वकील थे कि उन्हें बीपी सिंह सरकार द्वारा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक सरकारी वकील होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत बड़े। बिल्कुल, इस बात का जो उदाहरण है उस वक्त देखने को मिला मुझे जब राफेल मामले में चर्चाएं चल रही थी जी लोकसभा में, लोकसभा के दौरान उन्होंने चर्चाएं सत्र चल रही थी और उसी दौरान उन्होंने राफेल मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष के सवालों का स्पष्ट तरीके से जवाब दिया, विपक्ष पूरी तरह से मतलब निशब्द हो गया था। तो इस तरह से उनकी वक्ता शैली जो थी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े नेता थे वो। जी जी हाँ, और आगे अगर हम बात करें तो 1991 में हुए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहली बार सदस्य बने थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने थे, और 1999 में आम चुनाव से पहले भाजपा के प्रवक्ता बनाए गए थे। 1999 में जब वाजपेयी का सरकार बनने जा रहा था उस वक्त की बात है, उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था। और वाजपेयी सरकार से लेके, वैसे तो आप कह सकते हैं कि 1977 से आपातकाल के दौरान से ही वो सक्रिय छात्र राजनीति में थे, छात्र राजनीति में थे, उसके बाद वे स्टूडेंट विंग जो एबीवीपी है उसके भी अध्यक्ष बने और वकालत तो करते ही रहे, लेकिन सक्रिय रूप से वो बीजेपी के जो प्रवक्ता बने वो 1999 में बने। और 13 अक्टूबर 1999 में उन्हें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया और वे मंत्री बने, पहली बार वे सरकार का एक पद पर बैठे वो। जी तो सबसे पहले मैं बता दूं जिस तरीके से आप देखिए जेटली जी के बारे में, जेटली जी ने जो रिफॉर्म्स लाए थे अपने कार्यकाल के दौरान, जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे पहले उन्होंने ही लाया, मतलब 2014 में जिस तरीके से वो लेके आए, तो अपने पहले बजट में उन्होंने कहा था कि भारत, उन्होंने मतलब बताया था कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बताया था और कहा था कि जिस तरीके से नई सीरीज के हिसाब से 7.4% विकास दर होने की उम्मीद जताई जा रही थी उससे आगे हम देश की इकोनॉमी को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, मतलब उत्साह बढ़ाने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था पिछले दिनों, काफी लोग कहते थे फेंकते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं तो आपको लोगों को खींचने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देना होता है। मोटिवेशनल के तौर पर भी अरुण जेटली काफी प्रभावी नेता माने जाते थे और यही कारण था कि जब 2000 में उस समय के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जो कि कानून मंत्री थे वाजपेयी गवर्नमेंट में, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे राम जेठमलानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कानून और न्याय मंत्रालय से, तब जाके अरुण जेटली को ये जिम्मेदारी दी गई थी। 23 जुलाई की बात है, उस वक्त उन्हें ये दर्जा दिया था। इसके अलावा 1999 में ही उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया था, ये तो हमने आपको बता ही दिया, और 2000 में उन्हें कानून मंत्रालय भी बनाया गया था, और गुजरात से वो कई बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। 2018 में अभी जब ये हुआ था उस समय वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, और इससे पहले 2014 में लोकसभा का चुनाव हालांकि वे हार गए थे, अमृतसर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और कहते हैं जिस प्रकार से एक व्यक्तित्व होता है कि पब्लिक प्लेस पे उन्हें कम जाना जाता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस में वो ज्यादा जाना जाता है क्योंकि वो काम करने वाले होते हैं। कहीं वो पब्लिक में कम दिखते थे और यही कारण है कि शायद वो अमृतसर का चुनाव हार गए होंगे, क्योंकि राजनीति नहीं करते, असली राजनेता नहीं थे। अब जो जिस प्रकार से राजनीति कहते हैं आजकल के चतुर चालाक राजनेता होते हैं, वैसे चतुर चालाक नहीं थे, काम करने वाले नेता थे, और वो इसलिए शायद अमृतसर से चुनाव हार गए। लेकिन
उसके बावजूद भी मोदी सरकार में उन्हें बड़ा ओहदा दिया गया था, वित्त मंत्री का ओहदा दिया गया था और फिर उन्हें राज्यसभा से लाया गया और वित्त मंत्री का ओहदा दिया गया। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमृतसर से चुनाव हारने के बाद 2014 में उसके बाद उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया और फिर जो है मनोहर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री थे, लेकिन गोवा का इलेक्शन आया और गोवा का इलेक्शन के बाद मनोहर पर्रिकर को गोवा जाना पड़ा, उसके बाद जो रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। जी बिल्कुल, जब जी। वो बीमार पड़ गए थे और गोवा उस समय गोवा में जब राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी, फुल बहुमत जब नहीं आया था गोवा में, तो लोगों का डिमांड आया कि मनोहर पर्रिकर ही एक नाम ऐसा है जिसके नाम पर तमाम विपक्ष के लोग भी एकमत हो गए और उनके उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं। तब जाके मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय से अपना इस्तीफा दिया था और फिर रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो अरुण जेटली के पास आया और उसके बाद जब अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे उसके बाद फिर सीतारमन को रक्षा मंत्री बनाया गया था, निर्मला सीतारमन जो अरुण जेटली के पद पर आज विराजमान है कह सकते हैं, वो रक्षा मंत्री बनाई गई थी उस समय में जब अरुण जेटली के पास ये दो दो पद था जी। और ये तमाम तरह के लोग जो हैं, राजनेता हों या फिल्म स्टार हों या फिर धार्मिक गुरु रामदेव बाबा से लेके आचार्य प्रमोद, ये तमाम जो धार्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर, इन तमाम लोगों ने भी अरुण जेटली के जाने पर शोक व्यक्त किया है। ये सारे खबर हमारे पास आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस तरीके से जेटली जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था किसानों के लिए, उन्होंने फसल बीमा योजना किसानों के लिए लॉन्च किया था, फसल बीमा योजना को एक ब्रॉड स्केल पे मूर्त रूप देने का श्रेय जो है जेटली जी को जाता है। जी हाँ, जेटली जी को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और मोबाइल न्यूज 24 भी जेटली जी को अपने पूरे टीम के तरफ से श्रद्धांजलि दे रही है और उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इस दुख के घड़ी में उन्हें उबरने का शक्ति प्रदान हो और वो उबर सके। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।